नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं कि आखिर यह जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं और इसके पीछे की लॉजिक क्या है। इसी लॉजिक को हम समझेंगे और इस पूरे प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि जुड़वा बच्चे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइए जानते हैं कि जुड़वा बच्चे बनते कैसे हैं। यह जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फीमेल फर्टिलिटी सिस्टम यानी कि महिला प्रजनन प्रणाली है, थोड़ी के बीचों बीच एक बच्चेदानी होता है यानी कि यूट्रस होता है, और यूट्रस के दोनों ओर एक एक फैलोपियन ट्यूब होती है जिसे हम ननेबिंग भी कहते हैं, और दोनों के आखिर में एक एक अंडाशय होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। अब होता क्या है कि हर महीने दोनों ही ओवरी में से एक ओवरी एक एग यानी एक अंडा तैयार करती है जो फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, और अगर वहाँ पर इसका मिलन शुक्राणु से हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो जाता है, और अगर इसका मिलन शुक्राणु से नहीं होता यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो अंडा जो है बच्चेदानी में आता है और फिर महिला को पीरियड्स यानी महावारी स्टार्ट हो जाता है। आइए हम अपने इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि जो एक की थैली यानी अंडाशय होती है उसमें से एक अंडा तैयार होकर निकल जाता है। सेक्स के समय जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं वह तेजी से तैरते हुए बच्चेदानी में प्रवेश करते हैं और वहां से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फैलोपियन ट्यूब के अंदर का दृश्य है जिसमें अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में आ गया है। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु तेजी से अंदर की ओर बढ़ते हैं और केवल एक ही शुक्राणु है जो अंडे के अंदर प्रवेश करता है और जायगोट बनाता है, और कुछ ही समय में जायगोट दो हिस्सों में बढ़ जाता है और इस तरह से दो भ्रूण तैयार हो जाते हैं और दोनों ही थोड़े डेवलप होते हैं और दोनों ही फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर बच्चेदाने की परत पे चिपक जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे दो बच्चों का विकास होना शुरू हो जाता है। तो आपने देखा कि आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि नॉन आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब नॉन आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे के बनने की प्रक्रिया को देखते हैं। यह जो अंडे की थैली यानी कि अंडाशय है इसमें से एक नहीं बल्कि दो अंडे तैयार होकर निकल जाते हैं। सेक्स के समय जो पुरुष के शुक्राणु होते हैं वह तेजी से दौड़ते हुए बच्चेदानी के मुंह से गुजरते हुए बच्चेदानी में प्रवेश करते हैं और वहां से फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करते हैं। यहां आप देख सकते हैं जो अंडे इकट्ठे अंडाशय से निकले थे वही फैलोपियन ट्यूब में आ गए हैं। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु तेजी से अंदर बढ़ते हैं और दोनों ही तैयार एग्स का मेल एक एक शुक्राणु से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जायगोट का फॉर्मेशन होता है। इस जायगोट में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं तब जाकर दो भ्रूण तैयार होते हैं। अब यह जो भ्रूण है उसमें कुछ परिवर्तन भी होता है और वह फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलकर बच्चेदानी की परत पर चिपक जाते हैं और धीरे धीरे दो बच्चों का विकास होना आरम्भ हो जाता है। अभी आपने देखा कि नॉन आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। आइए अब हम आपको कुछ और दिलचस्प बातें बताते हैं। यह जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उसमें एक ही जायगोट होता है वही टूटकर दो भ्रूण बनाता है। इसमें जो दोनों बच्चों का सेक्स होता है वह सेम होता है, यानी कि जो आइडेंटिकल ट्विंस है या तो वह दो लड़के होंगे या तो दोनों ही लड़कियां होंगी, और दोनों की जो फेस है वह भी एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। दूसरा जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस है, क्योंकि इसमें दो शुक्राणु दो अंडों के साथ मिलकर दो भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो इस स्थिति में जो दोनों बच्चों का सेक्स है वह सेम नहीं होता, यानी एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है और दोनों बच्चों की जो शक्लें हैं वह अलग अलग हो सकती हैं। इस वीडियो को देखते देखते बहुत लोगों के मन में सवाल तो आया ही होगा कि जुड़वा बच्चे आखिर होते ही क्यों हैं। तो आपको बता दें कि यह जो आइडेंटिकल ट्विंस है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च अभी तक कोई ठोस कारण वैसे मिला तो नहीं है, लेकिन नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के कुछ कारण होते हैं। अगर कोई महिला 30 से 40 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होती है तो ऐसी महिलाओं में जुड़वा बच्चे पैदा होने की जो संभावना है वह अधिक होती है। कुछ खास समूहों में भी देखा जाए तो जुड़वा बच्चे काफ़ी देखने को मिलते हैं, जैसे अफ्रीका के देशों में, यहाँ पर जुड़वा बच्चे अधिक देखने को मिलते हैं।
ऐसा भी देखा जाता है कि IVF के बाद भी जुड़वा बच्चे होने की जो संभावना है वह बढ़ जाती है। आइए आपको जुड़वा बच्चों के बारे में कुछ और बातों से रूबरू करवाते हैं। जुड़वा बच्चे माँ के पेट में तो साथ साथ रहते ही हैं और उनका विकास भी साथ साथ ही होता है, लेकिन जन्म के बाद भी जुड़वा बच्चों का मानसिक तालमेल होता है। रिसर्च में देखा गया है कि जुड़वा बच्चों को जन्म के बाद अलग करने पर उनमें मानसिक तनाव आ सकता है और विकास में बाधा भी देखने को मिलती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जुड़वा बच्चे होने पर क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जुड़वा बच्चों के होने पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चे का विकास तो अच्छे से होता है, लेकिन दूसरे बच्चे का विकास रुक जाता है। इसे वैनेसिंग ट्विंस कहते हैं। जुड़वा बच्चे होने पर एक और समस्या होती है कि जो उनका वजन होता है वह समान यानी कि 2.5 किलो से कम हो सकता है। इसके अलावा डिलीवरी में भी प्रॉब्लम होता है, जैसे अगर दोनों बच्चों का सर नीचे और पैर ऊपर होता है जैसे कि सामान्य तौर पे होता है, तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बच्चे विपरीत दिशा यानी एक बच्चे का सर नीचे पैर ऊपर और दूसरे का सिर ऊपर और पैर नीचे होता है, तो इस कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही मुश्किल होती है। इसलिए डॉक्टर सी सेक्शन यानी ऑपरेशन से डिलीवरी करते हैं। तो दोस्तों, मेरा आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।